So I would want all of you to add your date of birth once this session is over. So supposing my date of birth is 3/12/1974 and I add 3+1+2+1+9+7+4. Add it all together, bring it to a single digit, to wo ban gaya 9. So 9 becomes my support number, my destiny number. अब क्या है कि हर नंबर 1 to 9 इज रूल्ड बाय अ सर्टेन प्लैनेट और उस प्लैनेट के इफेक्ट्स हमारे लाइफ में आते हैं. मैं आपको आज एक बहुत मैजिकल टिप दूंगी जिसके बारे में हम ध्यान नहीं रखते. मोबाइल फोन्स. अब हमने ये सेशन शुरू किया तो सबके हाथ में मोबाइल फोन्स थे. हम मोबाइल फोन्स हर चीज के लिए यूज करते हैं और वो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा खास रोल प्ले करने लगा है. वो हमें अपने लव्ड वन से कनेक्ट करता है, हमें अपने ऑफिस बिजनेस एसोसिएट से कनेक्ट करता है. आई मीन आवर एंटायर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन मोबाइल फोन्स. अब हम दिन भर उसमें अपना कम से कम 10-15 बार तो एक घंटे में हम फोन खोल ही लेते होंगे. उसमें हम अपना पासवर्ड भी प्रेस करते हैं. द आइडिया इज कि जो आपके फोन का पासकोड है या जो आपके फोन का मोबाइल नंबर है उसको आप ऐड करके देखें और ये देखें कि क्या वो पॉजिटिव तरीके से आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ रेजोनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा. अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ रेजोनेट कर रहा है, आपके लिए अच्छा है, तो उसी फोन से आपको हमेशा अच्छे न्यूज और अच्छे मैसेजेस आएंगे. आपके आगे तरक्की करने के रास्ते भी खुलते जाएंगे. सो सपोजिंग योर डेट ऑफ बर्थ इज फर्स्ट, यू नो योर टोटल डेट ऑफ बर्थ एड्स टू नंबर 1, तो आपका जो पासकोड है वो भी अगर टोटल 1 पे ऐड हो या आपका जो मोबाइल नंबर है उसका भी टोटल इफ इट कम्स टू अ 1, तो वो मोबाइल फोन आपके करियर के लिए, आपके सक्सेस के लिए, हर तरीके से आपके लिए फायदेमंद होगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो बहुत पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, कुछ नंबर्स हैं जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं. लाइक जिसका डेट ऑफ बर्थ अगर इज कमिंग टू 2, तो 2 थोड़ा सा इमोशनल नंबर होता है. जैसे इन्होंने अभी बोला ना कि मेरे बात बात में आजकल आंसू निकल आते हैं. दैट शोज दैट यू आर एन इमोशनल पर्सन एंड समवेयर नंबर 2 इज अफेक्टिंग यू और द प्लैनेट मून इज अफेक्टिंग यू बिकॉज मून इज एन इमोशनल प्लैनेट. तो 2 नंबर थोड़ा इमोशनल होता है. 3 नंबर जुपिटर का होता है तो वो आपको काफी चीजें लाइफ में सिखाता है. इट मेक्स यू फुल ऑफ विजडम, आप विजडम शेयर कर सकते हैं. 4 नंबर राहु का होता है तो अगेन थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है. 5 नंबर बुध का होता है, मर्क्यूरी का होता है, इट्स बैलेंस, इट्स बुद्धि. 6 नंबर वीनस का होता है, लग्जरी. 7 नंबर केतु का होता है, थोड़ा स्पिरिचुअल नंबर होता है. 8 सैटर्न का नंबर होता है तो वहां पे आपको थोड़े से यू हैव टू वर्क रियली हार्ड टू अचीव योर गोल्स. 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो आपके सारे काम पूरे होते हैं. So what I'm saying is that if you're born, if your total number is coming to 1, 2, 4 or 7, तो आप कोशिश करें कि आपका जो पासकोड है और आपका जो मोबाइल नंबर है, that should add to a total of 1. Because 1, 2, 4 and 7 are compatible with each other. And I want you to choose the best number. अगर आपका date of birth is adding to an 8, तो 8 थोड़ा सा difficult number है. So choose a number that adds to a 6 on your mobile phone. इसी तरीके से the rest of the numbers are good numbers. So it's 1, 3, 5, 6, 9 are good numbers. अगर आपका total is any of these numbers, तो इसी total का आपका passcode और mobile number होना चाहिए, इससे आपको फायदा होगा. दूसरी जो interesting चीज है वो ये है कि कहाँ पे आपने अपना mobile phone charging पे रखा हुआ है, घर के किस जोन पे आपका मोबाइल फोन रात भर चार्ज होता है. सेम एनर्जीज आपके लाइफ में रेजोनेट होने लगेंगे. अगर आपका मोबाइल फोन नॉर्थ जोन में चार्ज होता है तो करियर अपॉर्चुनिटीज के कॉल्स बहुत आएंगे और आप खुद भी जाके ढूंढेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज. अगर ईस्ट में होता है तो आपके सोशल इंटरेक्शंस बहुत बड़े हुए होंगे. आप लोगों को कॉल करके बर्थडेज भी विश करेंगे आप सबके साथ. यू विल बी वेरी हैप्पीली एंड एक्टिवली कनेक्टेड विद एवरीवन. यही अगर आपका मोबाइल फोन साउथ ईस्ट में रोज चार्ज होता है तो वेल्थ और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा आता रहेगा घर में. अगर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपका फोन चार्ज होता है तो आप हमेशा लोगों को एडवाइस देते रहेंगे.
और कुछ जोन्स जो थोड़े नेगेटिव होते हैं, जैसे डिप्रेशन का जोन होता है, लेट्स से अ वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट जोन, जोन ऑफ लो मूड्स एंड डिप्रेशन, वहां पे अगर आपका रोज फोन चार्ज होता है तो आपको जितने भी कॉल्स आएंगे, ज्यादातर लोग आपको फोन करके अपनी मुश्किलें बताएंगे, अपने नेगेटिव सिचुएशंस लाइफ के बताएंगे. हर वक्त फोन आपको वही फोन्स आ रहे होंगे, मेरे लाइफ में ऐसा हो गया, मेरे लाइफ में वैसा हो गया. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल एंड वेरी अवेयर एंड लिव इन अ माइंडफुल स्टेट लाइक शी सेड, कि कहाँ आपने फोन चार्ज किया है, क्या आपका फोन का नंबर है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी एंड दीज नंबर्स प्ले अ ह्यूज रोल इन योर लाइफ. Moving to the, so this is basically the magic of numbers and the magic that the phone can create.